जय गुरुदेव स्टूडेंट्स, अपना जो चैप्टर है अकाउंटिंग रेशियो वाला कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें से इस समय अपन कर रहे थे एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो में तीन पार्ट अपने क्लियर हो गए थे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एंड ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। लास्ट है इसका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। तो ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपन ने स्टॉक टर्नओवर में देखा कैसे निकालते हैं। एक मेथड होती है सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाता है। दूसरा होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ से भी हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाता है। वर्किंग कैपिटल अपन ने करंट रेशियो में देखा था, हमें दो चीज़ का देखना है। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो करंट रेशियो में आपने देखा होगा करंट एसेट्स कैसे निकाली जाती है, करंट लायबिलिटी कैसे निकाली जाती है, राइट। मतलब इस फार्मूले से अपने को जो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में है कुछ नया नहीं है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, करंट एसेट्स पहले कैलकुलेट चुके हैं, करंट लायबिलिटी भी पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं। अब इसमें एक सिंपल सा आपकी बुक का छोटा सा क्वेश्चन है 97। गिवन दिया है कॉस्ट ऑफ सेल्स, मतलब सॉरी कैश सेल्स दिया 5 लाख, क्रेडिट सेल्स दिया गया है 6 लाख, सेल्स रिटर्न दिया गया है 1 लाख, करंट एसेट्स दिया गया है 3 लाख एंड करंट लायबिलिटी 1 लाख। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नेट रेवेन्यू निकालना है। तो नेट रेवेन्यू का मतलब होता है कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो कैश सेल्स 5 लाख है, क्रेडिट सेल्स 6 लाख है, उसमें से 1 लाख माइनस किया, 11 लाख में से 1 लाख माइनस किया तो कितना आ गया 10 लाख, राइट। फिर अपने निकाला वर्किंग कैपिटल मींस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, 3 लाख में से 1 लाख को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया 2 लाख, राइट। अब सिंपल है, फार्मूले में वैल्यू पुट कर देना। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में आ गया आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, मीन्स 10 लाख में से 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया ये 5 टाइम्स। तो मीन्स ये जितने भी हमारे एक्टिविटी रेशियो होते हैं सभी आपके टाइम्स में आते हैं। तो एक्टिविटी रेशियो में सिर्फ इतने ही हैं। नेक्स्ट स्टेप में अपन देखेंगे सॉल्वेंसी रेशियो पे आएंगे कि सॉल्वेंसी रेशियो को कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, राइट। जय गुरुदेव।